आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप केस के बिना यूज कर रहे हो, मैं भी केस के बिना यूज कर रहा हूं। मैं केस के बिना इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरे टोटली अनस्क्रिप्टेड एंड फ्री फ्लोइंग वीडियो होने वाला है। हमने कुछ नहीं, हम उधर बैठ के बात कर रहे थे OnePlus Open के बारे में, इरशाद मेरे साथ में, हम दोनों ही OnePlus Open इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा वीडियो कर दे, बिकॉज ये जो हम बात करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में, यू शुड लिसन टू इट अगर आपको OnePlus Open के बारे में बात करनी है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, यू नो व्हाट OnePlus हैज डन विद OnePlus Open इज इनक्रेडिबल। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो यू नो कुड हैव बीन बेटर, बट कुछ कुछ चीजें एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन। कंप्लीटली एग्री। क्या लगता है, what do you think about OnePlus Open? You're using it for 1 month? नहीं, 3 weeks. About 3 weeks. जब से मैं हमारे पास आया, before the launch review के लिए आया, तब से use कर रहा हूँ. And experience तो काफी बढ़िया रहा है. It's very good. मैं तो एक चीज जो stand out होती है, जो हम बात कर रहे थे, जो stand out होती है आपके लिए on this OnePlus Open, एक चीज जो proper stand out हो रहा है, is that seamless transition from candy bar to tablet. जब खोलते हो वो tablet, जो experience मिल रहा है, especially with the software, it's so good. एग्जैक्ट, मेरा भी वही है, जो एक्सपीरियंस, ही सेड इट इन डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन मैं कहूंगा जो एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जो है, जो एक यू नो एक कैंडी बार नॉर्मल फोन होता है एंड देन यू ओपन एंड सडनली टैबलेट का जो एक्सपीरियंस आता है, दैट इज इनक्रेडिबल। एंड इनक्रेडिबल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा। हाँ, कोई कोई थर्ड पार्टी एप्स के साथ हमें लगता है कि नहीं, ये बड़े फॉर्म या बड़े स्क्रीन के लिए नहीं है, बट अदर देन दैट, जो एक अलग अलग फंक्शन है, शेयरिंग करना है आपको, मल्टीटास्किंग करना है आपको, इधर से स्विच करना है बड़े स्क्रीन के ऊपर, इट इज सो फ्लूइड। इट इज वेरी फ्लूइड। इनफैक्ट मैं प्रॉपर हमारा काम करने के लिए ना यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का ड्राफ्ट आ जाता है शॉर्ट वीडियो का, तो वीडियो इस तरफ खुल गया और मैं इधर यू नो फीडबैक दे रहा हूँ उसका। मुझे स्पेशली वो जो फ्लोटिंग विंडो है, यू नो जब आपको कुछ शेयर करना है व्हाट्सएप के ऊपर, सडनली आप शेयर करो एंड उधर ही व्हाट्सएप का, यू नो व्हेन यू शेयर, आप गैलरी में जाओ, एक फोटो आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना है, यू नो वो पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा एंड देन यू विल आल्सो हैव अ स्मॉल विंडो, उधर से ही आप टाइप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सब कुछ, एंड देन जस्ट डबल टैप एंड इट गोज अवे। सो मल्टीटास्किंग जो दिया हुआ है फीचर्स, दे रियली आर वेल थॉट आउट एंड वेल इंप्लीमेंटेड, मैं कहूंगा कंप्लीटली। ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीजन ओएस एक्सपीरियंसेस है। प्लस उसके साथ साथ आपको नीचे वो टास्क बार भी मिल जाता है, तो सारे एप्स भी एक्सेसिबल हो जाते हैं। यस, वो टास्क बार भी बहुत इंटेलिजेंट है, जब आप कोई ऐप खोलते हो वो छोटा हो जाता है एंड देन व्हेन यू आर यू नो व्हेन इट इज लाइक दिस, ये बड़ा हो जाता है। सो इट इज रियली नाइस। सो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एक्सीलेंट। बट देखो, ये फर्स्ट जनरेशन का OnePlus का डिवाइस है। जब सैमसंग का पहला फर्स्ट जनरेशन का आया था, आपको पता है, आई एम एक्चुअली सरप्राइज, ऑनलाइन में देख रहा था OnePlus Open के बारे में, लोग यू नो ज्यादा लोगों ने लिया हुआ नहीं है, ज्यादा फीडबैक नहीं आया, बट जितना भी आया हुआ है, आई हैव नॉट सीन नेगेटिव फीडबैक, पूरा पॉजिटिव है। वही मैं कह रहा हूं, जिसने भी यूज किया, जिन्होंने भी यूज किया अब तक, उनको डिवाइस बहुत पसंद आया। जनरली तो रिव्यूअर्स ही है, ऑब्वियसली हमने एक्सेस मिला है, अब तक सेल पे प्रॉपर्ली गया नहीं है, लोग खरीदने के लिए वेट कर रहे हैं, बट जिन्होंने भी खरीदा भी है ना, दो तीन लोग जानता हूं मैं, एंड सबको पसंद आया डिवाइस, दे आर ऑल सो हैप्पी विद इट। वो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी ने कितना पैसा देके खुश है, तो दैट्स रियली नाइस। सो दैट, हां, व्हेन यू आर पेइंग समथिंग लाइक 140,000, थोड़ा भी इधर उधर होगा, वैसे इधर उधर होगा उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, बट फर्स्ट ड्यूरेबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, द हिंज, इसके बारे में। हिंज ना, एक चीज मेरे को बहुत पसंद आया, जो जनरली फोल्डेबल्स में एक चीज देखा था मैंने, इनफैक्ट इवन विद द गैलेक्सी Z Fold 5, कि थोड़ा रेसिस्टिव होता है, वो नहीं है, काफी स्मूथ है, सीमलेस है। यस, एंड थ्रू आउट है, ऐसे नहीं है, बहुत बार और एक चीज होती है, इधर रेजिस्टेंस होता है और जैसे ही इधर खुल जाता है, रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है, यू नो इट जस्ट, वैसे नहीं, हाँ वैसे नहीं है इसका, सो दैट इज गुड। इसका जो वेट है वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मतलब आप लेते हो ऐसे लगेगा कि हैवी है, एंड आई हैव यूज्ड यू नो लॉट ऑफ फोल्डेबल फोन्स प्रीवियसली, और वो हैवी होते हैं, ये इतना नहीं है, 240 ग्राम इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल फॉर अ कैंडी बार एंड अ टैबलेट बोथ कंबाइंड। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये तो OnePlus Open इज रियली गुड, बट हमने ना ज्यादा फोल्डेबल्स देखा नहीं इंडिया में। Honor Magic V2 जो है ना, और भी पतला है एंड इट्स इवन लाइटर, इमेजिन फोल्डेबल्स वहां तक पहुंच गए अभी एक्चुअली। वैसे और एक चीज, मैं अगेन, मैं Z Fold 5 एज अ प्राइमरी ड्राइवर इस्तेमाल करता था, इसका जो ऊपर का डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले, इट इज प्रॉपर, मतलब जो विड्थ में है ना, जो एस्पेक्ट रेशियो है, ये परफेक्ट है। Z Fold 5 का मुझे लगता था थोड़ा नैरो है, तो बहुत बार ऐसे होता था, खोल के देखते थे, या फिर कुछ कुछ एप्स यू नो ऊपर या नीचे बैंड आ जाता था, वो सब चीजें था, नॉट विद दिस वन। आप कितना यूज करते हो, कितना परसेंटेज आप बाहर का डिस्प्ले? एक्चुअली मुझे जब मैंने लिया था, तो Z Fold 5 में नियरली 60-40, 60 ऊपर एंड 40 अंदर इस्तेमाल करता था,
ना, इसके साथ लिटरली 90-10 है, मतलब 90% ओनली व्हेन आई एम व्यूइंग अ वीडियो, दैट इज द ओनली टाइम प्रोबब्ली आई हैव टू ओपन इट, अदरवाइज मैं तो वीडियो के लिए भी यही यूज करता हूं, वाइड स्क्रीन फॉर्मेट के लिए भी बढ़िया एकदम। एंड डिस्प्ले कैसे है यार, डिस्प्ले क्वालिटी इज सो गुड, वो ये ना अगेन वो सीमलेस एक्सपीरियंस डिस्प्ले के स्पेक्स पे भी जाता है, बिकॉज द सेम डिस्प्ले स्पेक्स आपको बाहर भी मिलता है अंदर भी मिलता है, सेम 2K रेजोल्यूशन, सेम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, या 120 हर्ट्ज 2K रेजोल्यूशन कवर पे, एंड इट इज ब्राइट, मतलब और एक चीज ब्राइटनेस के बारे में, मैं जब आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में मैं खोल रहा हूं ना, एक चीज मैंने नोटिस की बिल्कुल रिफ्लेक्टिव नहीं है, पहले मुझे एडजस्ट करना होता था बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसके ऊपर है ना, दैट रियली वर्क्स वेरी वेल, एंड बिकॉज ब्राइट है इतना तो क्लियरली सब कुछ दिखता है। सो डिस्प्ले के बारे में फुल मार्क्स, हां लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, फिंगरप्रिंट्स आते हैं वो है वो प्रॉब्लम, इट्स अ प्लास्टिक पैनल तो हो गए, दैट इज अ फोल्डेबल इशू टू सॉल्व। एक चीज जो है ना जो मैं बताना चाहता हूं, डेफिनेटली हमने हिंज के बारे में बात तो किया, बट वो डिस्प्ले एक्सपीरियंस जो हिंज के साथ आता है ना, एक चीज सैमसंग डस इट बेटर कि आप कितने भी एंगल पे ऐसे फोल्ड करके रख सकते हो, यस बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, इसका उतना नहीं है, अगेन सो इट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये थोड़ा आई थिंक इधर तक जाता है, इधर से Samsung is very nice that way, उधर मतलब it holds on, yes yes, and video meetings के लिए Samsung मुझे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा optimized लगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे Google Meet and live meetings ये सब होते हैं, you know Z Fold 5 does that better, but this one overall experience जो software का था, and I don't do gaming much, तो performance के बारे में मैं I'm going to ask you, but overall software amazing, yes performance, let's talk about that performance, Snapdragon 8 Gen 2 crazy RAM, crazy storage, बहुत ही बढ़िया experience है यार। You know what I was doing interestingly? आपने देखा I bought this controller, right? The Type-C controller. So इसमें ना मैं GTA Vice City download किया मैंने, और वो controller connect करके I was playing it in a tablet mode like this, and it is crazy that experience यार। Obviously games काफी सारे ना ये aspect ratio के लिए अभी tuned नहीं है, but मुझे लगता है कि अगर ये एक aspect ratio popular होने लगेगा, I mean lot of games will, you know हम CRT पे खेलते थे तभी जमाने में, it's very similar to that, great experience, gaming is very good on this, overall performance भी, मतलब अभी तक मुझे एक बार भी, again in 3 weeks time, you're using a little more, I'm using for 2-2.5 weeks, एक बार भी frame freeze हुआ है या फिर stuttering महसूस हुआ है या फिर इधर से मैं you know seamlessly मूव नहीं हुआ है बड़े स्क्रीन पे, आई हैव नॉट नोटिस्ड इट वंस, सो दैट हैज फॉर मी हैज बीन द स्टैंड आउट, व्हाट हैज नॉट बीन द स्टैंड आउट मेरे लिए, एंड अगेन जब आप 140,000 देते हो तो यार आई सी कैमरा जो है ना इट इज अबाउ एवरेज, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, बट 140,000 रुपए दिए हुए एंड इतना सब अच्छा एक्सपीरियंस है, कैमराज आर गुड बट दे कुड हैव बीन बेटर इजीली, क्या लगता है? इजीली दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, कैमराज खराब नहीं है, हार्डवेयर भी है अच्छा है काफी हार्डवेयर, बट ना OnePlus का एल्गोरिदम अभी भी थोड़ा मतलब दे आर नॉट, बट Hasselblad भी है इसमें तो, Hasselblad तो कब से है अरुण, क्या कुछ फिक्स नहीं किया है, वी आर वेटिंग फॉर दैट यू नो टू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, लेकिन फोटोज जो भी मैंने लिए हैं इट्स वेरी इंप्रेसिव, इनफैक्ट अपडेट भी आया काफी कुछ, उन्होंने बोला कि मेन कैमरा में इंप्रूव किया है, फोकल लेंस दिखा रहा है ज़ूम करते वक्त, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर नाइस, इट हैज द फीचर्स बट कलर्स आर वेरी वेल डन, HDR इज वेरी गुड, HDR इज गुड, डायनेमिक रेंज मैं कहूंगा इज रियली गुड, बट थोड़ा इनकंसिस्टेंट नहीं लगा तुम्हें? डेफिनेटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकंसिस्टेंट तभी लगा जब व्हेन द बैकग्राउंड इज टू ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है ना, एंड से फॉर एग्जांपल पीछे पूरा ब्राइट है, ओके, और मैंने फोटो लिया तो हमेशा एक ब्लूम आ जाता है, वो ब्लूम जो है ना वो इतना अजीब दिखता है, सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे यू नो इट डज नॉट परफॉर्म वेल, नॉर्मली मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, जैसे मैंने कहा कैमरास आर गुड बट यार वी एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर विद अ डिवाइस लाइक दिस, बट अपडेट्स के साथ व्हाट डू यू थिंक, डू यू होप कि अपडेट्स के साथ इंप्रूव होगा कैमरा? नॉट रियली, आई स्टिल थिंक दैट, और एक और चीज है ना, फोल्डेबल फोन में कैमरा उतना फोकस नहीं होता है, विच इज एविडेंट, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण दे कैन ऑल्सो पुट अ बिग सेंसर, ये सारा चीज भी होता है, बट स्टिल देखो ना कितना बड़ा कैमरा पंप है, एंड मैं लिटरली जब मैंने पहले बार देखा ना मुझे लगा था ये फोन ऐसा गिरने वाला है हमेशा, क्या वेट डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्त किया है, दैट दे रियली वेल, दैट दे हैव डन इट रियली वेल, मतलब हाथ में लोगे ना, इनफैक्ट एक चीज मुझे आपको बताना है, यू नो इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर फोल्डेबल, प्लीज गो टू अ स्टोर एंड एक्सपीरियंस दिस, मैं कहता हूं ना कि आप जाओगे ना स्टोर में, हाथ में लोगे, बोलोगे यार दैट इज द फीलिंग दिस फोन गिव्स, सो इनक्रेडिबल जॉब ऑन वेट डिस्ट्रीब्यूशन, 140,000 का फोन लगता है, और ये जो वीगन लेदर है ना होल्ड करने में भी बहुत अच्छा लगता है, सो देयर इज अ ग्लास बैक वाला विच इज काइंड ऑफ मिंट कलर, एंड दिस ब्लैक आई प्रीफर दिस वन, वो थोड़ा हैवी होगा मेरे हिसाब से, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप केस के बिना यूज करो? मैं भी केस के बिना यूज कर रहा हूं, मैं केस के बिना इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैंने गिराया भी है,
मैंने गिरा है, मुझे कोई टेंशन नहीं आता है. एवरी टाइम यू डू दैट इट स्केयर्स मी आल्सो, बट विद वन प्लस ओपन मैं इट इज वेल बिल्ड. हां है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है. एक चीज अच्छा नहीं है, जो कैमरा ठीक है बट वायरलेस चार्जिंग में मिस करता हूँ यार. यस, वायरलेस चार्जिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फोन दैट कॉस्ट 1,40,000 रुपीस. क्योंकि मैं गाड़ी में मेरा वो वायरलेस पैड होता है हमेशा, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मैं ये रख देता हूँ. अब ये नहीं होता है, वो पॉप अप किया, चार्जिंग चालू हो गया, फास्ट चार्जिंग वो नहीं होता है. टॉक अबाउट वन थिंग, यहाँ पे ना काफी लोग बोलते हैं कि वायरलेस चार्जिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन यूज करता है. भाई जो 1,40,000 वाला फोन लेगा ना, वो वायरलेस चार्जिंग यूज करता है, तो उसकी गाड़ी भी 25-30 लाख की कम से कम होने वाली है, उसमें वायरलेस चार्जर तो है ही. तो व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग यू वांट टू कीप योर फोन ऑन दैट वायरलेस चार्जिंग पैड, दैट इज सो दैट इज अ मिस. मैं कैमरा को मिस नहीं कहूंगा बिकॉज इट इज डिसेंट कैमरा, बट एक मिस जो है वो है वायरलेस चार्जर. व्हाट अबाउट आईपी रेटिंग? आईपी रेटिंग इट डज नॉट मैटर टू मी. देख मैं अभी ऑफिस स्टूडियो घर, मतलब ज्यादा डस्ट एंड इसमें मैं जाता नहीं हूँ. और जो भी फोन बाय करेगा दे विल हैव सिमिलर काइंड ऑफ यूसेज कि भाई वो बहुत ज्यादा डस्ट आ गया. वैसे इसमें नो गैप डिजाइन है तो डस्ट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी एट ऑल. उतना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. इट्स स्टिल आई मीन ठीक है तो है, नहीं तो है नहीं. यू कैन बी केयरफुल विद इट. यस यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद इट, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि स्विमिंग पूल में जा रहे हो और फिर अंदर नहीं, वो सब मत करो. अच्छा एक चीज मैंने ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो व्हेदर यू हैव ट्राइड, स्टाइलस इस्तेमाल किया इसके ऊपर? हाँ वो स्टाइलस सपोर्ट एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन, काफी लोग पूछ रहे थे कि स्टाइलस सपोर्ट है कि नहीं, ऐसे फोल्डेबल फोन है स्टाइलस बड़े स्क्रीन के ऊपर तो है. हाँ and it's proper official. But अजीब है कि OnePlus ने clearly mention नहीं किया, but stylus support है phone में. है, try किया है क्या लेकिन? नहीं हमने try नहीं किया, but it's available. आप external stylus use कर सकते हो, तो कोई भी phone पे use कर सकते हो. But Oppo का एक stylus आता है जो China में मिलता है. हाँ, तो वो it will be kind of integrated. It works with this. And weird है कि you know ये एक बहुत important सा feature है जो OnePlus को पहले से ही बताना चाहिए था. और probably stylus लेके भी आना चाहिए था. Alright. एक चीज और एक मुझे इम्प्रेसिव जो लगी, इसकी बैटरी है, बैटरी लाइफ. मतलब मैं मेरे यूसेज में मुझे नेक्स्ट डे 11-12 बजे तक बैटरी जाती है, मतलब नियरली डेढ़ दिन जाती है. हैवी यूसेज भी करोगे मुझे लगता है कि दिन भर बैटरी जाएगी. अगेन फॉर फोल्डेबल फ्लिपेबल फोन्स बैटरी छोटी होती है थोड़ी, इट इज डिफिकल्ट. 5,000-5,500 बैटरी नहीं होती, उससे कम होती है. इसमें 4800 है विच इज डिसेंट साइज एंड बैटरी ऑल्सो लास्ट लॉन्गर. क्या एक्सपीरियंस है? एक्सट्रीमली गुड बैटरी लाइफ फॉर फोल्डेबल फोन, बहुत बढ़िया. कितना एसओटी कितना मिलता है? 7 घंटे का मुझे एसओटी मिलता है, विच डेफिनेटली दिन भर जाता है. और हमारा यूसेज ऑब्वियसली अबाउ एवरेज ही होता है, दिन भर फोन पे ही होते हैं. सो बैटरी लाइफ, चार्जिंग के बारे में क्या कहना है? फास्ट चार्जिंग है, 67 वॉट चार्जिंग, वो इट मेक्स डिफरेंस. मतलब सुबह लगा दो 20-25 मिनट में 70-80% हो जाता है यार. आई मीन उसका भी प्रॉब्लम नहीं है. और एक और चीज है फॉर पीपल हु आर वंडरिंग, इट ऑल्सो सपोर्ट्स USB PD. हां USB PD, यस. सो That is nice. एक चीज मुझे ये जो है ना ये थोड़ा अलग है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है whether they even think of it, but देखो OnePlus का जो सबसे फ्लैगशिप फोन था OnePlus 11 अभी जो था 50-55,000 था, उधर से डायरेक्टली एक फोन लॉन्च करना जो 1,40,000-1.5 लाख के करीब है, क्या लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या और करना चाहिए क्या? वही, नो यू आर एब्सोल्युटली राइट टू ब्रिंग दैट पॉइंट. क्योंकि ना वहां पे एक ये हो जाता है ना कि OnePlus का फोन है तो 60,000-70,000 के अंदर मिल, 60,000 के अंदर मिल जाता है मोस्टली. तो ना उससे ज्यादा तो होता नहीं, प्रो फोन्स भी उतने उससे महंगे नहीं थे. दिस इज अ ह्यूज जंप, वो सबको शॉकर लगा, सबको लगा कि ये 1,00,000 में आएगा. बट ये 1,00,000 में एक्सपेक्ट करना सही है क्या आपसे? नहीं नहीं, आई थिंक इसकी प्राइस, हाँ ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि 1,40,000 के जगह पे 1,30-1,20 होता ठीक था. बट आई स्टिल बिलीव एट 1,40,000 मुझे लगता है ये दिस इज अ रियली वैल्यू फॉर मनी फोन है वो. आई मीन परफॉर्मेंस इवन विद द कैमरा एंड इवन विद वायरलेस चार्जिंग नॉट बीइंग देयर, ये दो चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए थी, बेटर कैमराज एंड वायरलेस चार्जिंग. बट स्टिल आई विल से 1,40,000 में I'm ready to give, especially looking at the competition. My good point. And also, मेरा एक point ये है कि आप 1,40,000 रुपए दे रहे हो, but you're not just buying a phone, you're buying a phone and a mini tablet. Yes, and you're buying a beautiful experience, great tablet experience as well as great phone experience. तो यही मुझे लगता है कि OnePlus Open is all about. ये free flowing discussion जानबूझ के हमने रखा क्योंकि हमें जो लग रहा है अंदर से जो लग रहा है वो scripted वगैरह करने में मजा नहीं है, जो हमने feel किया हुआ है वो हमें आप तक पहुंचाना था. हमने वो Nothing के review के साथ, iPhone के review के साथ भी यही experience किया था. यही किया था and आपका बहुत अच्छा feedback आया था कि हाँ ऐसे ही आप review करते जाओ, and that's why we have bought it for you. कैसे लगा? अगर ये video अच्छा लगा दोस्तों, like करना मत भूलिए. चलिए दोस्तों इस video में इतना ही, अगले video तक keep tracking and stay safe.